हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसा वीडियो जो कि काफ़ी रिक्वेस्टेड भी था और काफ़ी ट्रेंडिंग भी है। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप लोफी सॉन्ग्स का मैशअप कैसे बना सकते हो या फिर लोफी मैशअप कैसे बना सकते हो। अब ये मत बोलना कि लोफी को लोफी नहीं बोलते और लोफाई बोलते हैं, जो बोलना है बोलो, मैं लोफी बोलती हूँ। लोफी मैशअप कैसे बनाना है मैं आपको वो शॉर्ट में आज सिखाने वाली हूँ। शॉर्ट में इन द सेंस कि मैं सबसे सिंपल तरीका सिखाऊंगी, फिर कुछ एडवांस वाले लोग आके कहते हैं कि ये तो बेकार है, इससे बहुत अच्छा बनाना मुझे आता है, फलाना फलाना। तो आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे यही सिखाना पड़ता है क्योंकि बाकी लोगों को नहीं समझ आती हैं इतनी डिफ़िकल्ट मेथड्स। तो इसीलिए मैं सिंपल से सिंपल मेथड सिखाती हूँ, फिर अगर मुझे लगता है कि वो चीज़ काफ़ी इजी लग रही है, लोगों को समझ आ रही है, वो कर पा रहे हैं, तो फिर मैं उसके ऊपर कोई कॉम्प्लेक्स वीडियो बनाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं बनाती हूँ। तो प्लीज़ जिन लोगों को ज़्यादा आता है वो लोग ऐसा ना समझे कि मैं ये इतना ईजी क्यों सिखा रही हूँ। मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को अच्छा ना सिखाऊं, पर लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है इसलिए मैं पहले बेसिक सिखाती हूँ। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं मेरा इतना लंबा डिस्क्लेमर जो मैंने दे दिया उसके बाद। तो लोफी मैशअप बनाने के लिए अगर आप चाहते हो कि कॉपीराइट ना आए, तो उसके लिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही टिप्स दे देती हूँ क्योंकि लास्ट तक आप लोग रुकते नहीं हो। तो फर्स्ट चीज़ कि आपको जो भी सॉन्ग्स आप यूज़ कर रहे हो उनका कोई भी कैची सा पोर्शन या फिर उसकी कोई मेलेडी, जो ट्यून्स वगैरह होती है जो फेमस होती है, जो सुनते ही सॉन्ग पहचान में आ जाता है, वैसे पोर्शंस आप कट कर दो, वो यूज़ ही मत करो। जो पोर्शन आप सॉन्ग का यूज़ कर रहे हो वो पोर्शन भी कुछ सेकंड्स के लिए प्ले करो, जैसे 10 सेकंड या उससे कम, क्योंकि क्या होता है कि 10 सेकंड से ज़्यादा की जो रिकॉर्डिंग्स होती है या फिर वोकल्स होते हैं उनको सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है आसानी से, तो इसीलिए आप उसे 10 सेकंड से कम रखो। नेक्स्ट चीज़ आप ये कर सकते हो कि कम सॉन्ग्स रखने के बजाय ज़्यादा सॉन्ग्स रखो। तो अगर एक ही सॉन्ग वापस रिपीट होगा, 10 सेकंड के बाद वापस से वही सॉन्ग आया, तो वो पहचानना ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, जैसा कि मेरा मैशअप अभी मैं बताऊंगी आपको, तो बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, तो पहला सॉन्ग जो मैंने सुनाया था वो कभी रिपीट ही नहीं हो रहा दूसरी बार, तो इसीलिए कॉपीराइट आने के चांसेस थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं। एक और चीज़ ये होती है कि हम की जो है वो चेंज कर देते हैं, ओरिजिनल की में काम नहीं करते। तो ओरिजिनल की में जब हम काम नहीं करते हैं तो उसकी वजह से ये होता है कि कॉपीराइट डिटेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिंगर की आवाज़ जो है वो या तो मोटी हो जाती है या तो पतली हो जाती है, और कॉर्ड्स भी चेंज हो जाती है, सारा म्यूज़िक भी चेंज हो जाता है। तो इसीलिए ये कुछ तरीके हैं जिससे आप कॉपीराइट से बच सकते हो, लेकिन ऐसे आप पूरी तरह से कॉपीराइट से छुटकारा नहीं पा सकते क्योंकि फिर भी कभी कभी आ जाता है। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, हमारा जो मैशअप होगा उसमें होगी कॉर्ड्स, पैड्स, बीट्स, बस इतना ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। उसके ऊपर हम लगाएंगे वोकल्स, यानी कि एकापेला जो बोलते हैं हम, यानी कि सिर्फ वोकल्स, म्यूज़िक में से वोकल्स निकाल लेंगे, वो वोकल्स हम इसके ऊपर कट कर करके लगा कर देखेंगे और इस अकॉर्डिंग हम बनाएंगे मैशअप। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैशअप बनाना। तो सबसे पहले आपको एक कोई भी सॉन्ग चूज़ कर लेना है जो कि आपको मैशअप में रखना ही रखना है। तो वो मैशअप का सॉन्ग आपने जो सिलेक्ट कर लिया है उस सॉन्ग के हिसाब से आपको क्या करना है, कॉर्ड्स बना लेना है, पैड्स बना लेना है और बीट्स भी बना लेना है। लेकिन उसके पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको खोलना है बैंडलैब। हम हमेशा बैंडलैब में ही बनाते हैं क्योंकि वो सबसे ईजी और कन्वीनियंट है। तो आपको खोलना है बैंडलैब, उसमें आपको इम्पोर्ट करना है वो वाला सॉन्ग जो आपने सोच रखा है। उस सॉन्ग की स्पीड आपको स्लो कर देनी है जितनी आपको सही लगती है। आपको एक 80-90 या फिर 100, या 100 तो ज़्यादा हो जाएगा, 70-80-90 इतना टेम्पो आप रख सकते हो आपके सॉन्ग का, वो लोफी के लिए सही होता है। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि उस सॉन्ग के कॉर्ड सर्च करनी है गूगल पे जाके। आप लिख सकते हो कि सॉन्ग नेम, जैसे कि मेरा 13 जिक्र है, तो 13 जिक्र पियानो कॉर्ड्स, और फिर वो कॉर्ड्स आपको सॉन्ग के अकॉर्डिंग लगा देनी है। जैसे आपको लिखी भी मिल जाएगी कि कौन से लिरिक्स पे कौन सी कॉर्ड बज रही है, उस अकॉर्डिंग आप कॉर्ड्स बना सकते हो इजीली। वो काफ़ी कन्वीनियंटली दे रखी होती हैं तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको कॉर्ड्स बना लेनी है, उसी के बाद आपको क्या करना है, उन्हीं कॉर्ड्स को एज इट इज़ कॉपी करके आपको किसी सिंथ में भी पेस्ट कर देना है और सिंथ में भी वही कॉर्ड्स होंगी। उसके बाद आपको सॉन्ग को सुन सुनकर उसके अकॉर्डिंग कुछ लोफी बीट्स बना लेनी है जो कि उस सॉन्ग पे फिट हो जाए अच्छे से, क्योंकि अभी टेम्पो स्लो है तो आप आराम से लोफी बीट बना पाओगे। आपको किक यूज़ करनी है, स्नैर, और अगर आप चाहते हो स्नैप तो आप स्नैप भी यूज़ कर सकते हो। क्लैप्स वगैरह जो होती हैं वो लोफी मैशअप में रेयरली होती है, तो आप क्लैप्स इग्नोर कर सकते हो, स्नैर और स्नैप्स, बस ये दो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो और किक तो रहेगी। उसके अलावा आप हाई हैट्स बना सकते हो आपके मैशअप को थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टच देने के लिए। अगर आपको हाई हैट्स वगैरह इतना अच्छा बनाना नहीं आता है तो आप नॉर्मल पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो हाई हैट्स का, जिसमें हम एक हाई हैट लगाते हैं फिर एक छोटा बॉक्स छोड़कर फिर हाई हैट लगाते हैं, वो वाला पैटर्न भी आप यूज़ कर सकते हो। हमने पुराने ट्यूटोरियल्स में भी एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आप चाहते हो तो वो आप देख सकते हो। इसके लिए मैं आपको कोई मंत्र नहीं बता सकती कि आप यही का यही कर दो तो सही हो जाएगा, या आप पे डिपेंड करता है कि आपके कानों को क्या
अच्छा लग रहा है, बीट्स आपको कहाँ पे ऑफ लग रही है, कहाँ पे सेट लग रही है, इस तरीके से आप बना सकते हो। बाकी आप मेरे मैशअप में से थोड़ा कॉपी कर सकते हो, क्योंकि बीट्स का पैटर्न आप हर जगह रिपीट कर सकते हो, चेंज करने की इतनी जरूरत नहीं लगती। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको की सेट कर लेनी है अपने प्रोजेक्ट की। अब आपको की ऐसी सेट करनी है जो कि आपके ओरिजिनल की से थोड़ी सी लो हो, जिससे क्या हो कि आपके वोकल्स जो हैं, जो आपका ओरिजिनल सॉन्ग है, उसमें सिंगर की आवाज़ थोड़ी सी मोटी हो जाए, ज़्यादा मोटी भी नहीं, ज़्यादा पतली भी नहीं, बस ऐसी हो जाए कि वो सुनने पर बेकार ना लगे। लोफी सॉन्ग्स में मोटी ही होती है यूजुअली, तो आप उसे थोड़ी सी मोटी कर सकते हो। जो की आपको पसंद आती है आप वो सेट कर दो, और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो ओरिजिनल ट्रैक जो है आपको उसको डिलीट कर देना है, क्योंकि अब हमको उसका कुछ काम नहीं है। अब आपको क्या करना है कि आपको सारे सॉन्ग्स का एकापेला निकालना है। कैसे निकालना है? आपको जाना है स्प्लिटर टूल में, आपके सॉन्ग को वहाँ पर इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट करने के बाद जैसे ही इसे स्प्लिट कर दे, उसके बाद आपको उसे स्टूडियो में खोलना है, और जो स्टेप अभी मैं बता रही हूँ वो आपको सारे सॉन्ग्स के साथ करना है जो आप मैशअप में यूज़ करने वाले हो। तो आपको क्या करना है, टेम्पो चेंज करके वो रख देना है जो आपने फर्स्ट सॉन्ग का डिसाइड किया, और की वो रख देनी है जो कि आपने फर्स्ट सॉन्ग की डिसाइड करी। जैसे ही आप ये सेट कर देते हो, उसके बाद आपके वोकल्स आप सुन के देखना, उनकी जो की वगैरह है चेंज होने की वजह से वो मोटे या पतले हो गए होंगे। उसके बाद आप सिर्फ वोकल्स वाले ट्रैक को ऐसे करके डाउनलोड कर लेना। तो जैसे स्क्रीन पे दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है, और ऐसा नहीं कि आपके सॉन्ग की कुछ और थी और आप मेरे सॉन्ग की रख रहे हो, ऐसा मत करना, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। फिर अब आपने सारे वोकल्स का टेम्पो और की चेंज करके उनको प्रिपेयर कर लिया है मैशअप के लिए। अब आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपके पास कॉर्ड्स, पैड्स, बीट्स, हाई हैट्स सब कुछ है। उसके बाद आपको उसके अंदर वोकल्स को सेट करना स्टार्ट करना है। तो बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपको अपने दिमाग और दिल पे पूरा सब कुछ काम छोड़ देना है। आपको बस एक सॉन्ग को लगा देना है, उसको देखना है कि वो 10 सेकंड से ज़्यादा ना हो, उसको लगा दिया। उसके बाद अब कोई सा सेकंड सॉन्ग गा गा कर देखना है कि कौन सा इसके साथ बेस्ट जुड़ पा रहा है, मतलब ऐसा लगे ही ना कि कोई दूसरा सॉन्ग था। तो आपको गा के देखना है, भले आप बेसुरा गाते हो, आपको कोई नहीं परेशान कर रहा है, कोई नहीं सुन रहा है आपको, आपको अपने काम के लिए गाना पड़ेगा। तो आपको गा के देखना है कि कौन सा सॉन्ग इस सॉन्ग के जस्ट बाद जुड़ सकता है अच्छे से, जो जुड़ सकता है, जो लाइन जुड़ सकती है, वो वाली लाइन कट करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देनी है। और फिर उसके बाद आपको ऐसे ही नेक्स्ट वाले सॉन्ग के लिए भी करना है। फिर उसके एंड जहाँ पे वो आपने एंड किया है उसको, वहाँ पे से गा के देखना है कि नेक्स्ट क्या पार्ट में गाऊँ, कौन से सॉन्ग का कौन सा पार्ट में गाऊँ जो परफेक्टली यहाँ पे जुड़ जाए। बस ऐसे करके अपने दिल पे विश्वास करके आपको मैशअप बना देना। तो ये सब तो था एकदम ईजी काम, आई नो थोड़ा डिफिकल्ट था, बट अगर आप करना सीख जाओगे 2-3 बार तो फिर आपको इजी लगने लगेगा। अब किसी किसी सॉन्ग्स के लिए ऐसा होगा कि उनकी कॉर्ड्स आपको नेट पे मिलेगी नहीं, तो उसके लिए आपको कॉर्ड्स का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, म्यूज़िक थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि आप बना सको कॉर्ड्स खुद से। तो मैंने कॉर्ड्स सारी खुद से ही बनाई थी, बीट्स भी सब अपना दिमाग लगा के ही बनाई थी। तो इसका लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वो इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है, अगर आप सीखने लगोगे दिल से तो आप सीख सकते हो। फिर जैसे ही ये सब हो गया, उसके बाद इन दी एंड आपको अपना मैशअप 3-4 बार सुन के देखना है कि वो सारा एक जैसा लग रहा है, एक फ्लो में लग रहा है ना। उसके बाद अब हम करेंगे एडिटिंग, यानी कि हम एफएक्सेस लगाएंगे सारे ट्रैक्स के ऊपर, किसकी वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, किसको कितना साउंड देना है, किसको कितना रिवर्ब देना है, वो सब कुछ। तो सबसे पहले तो जो हमारी कॉर्ड्स होती हैं, तो कॉर्ड्स को आप लेयर कर सकते हो, जिसे मैंने कर रखा है। मैंने इसको रोड्स और ग्रैंड पियानो से कर रखा है। रोड्स का नाम अभी दूसरा कुछ है, पर मैं उसको अभी भी रोड्स ही बोलती हूँ, उसका नाम मेलो ईपी करके कुछ है। वो वाली भी कॉर्ड्स के लिए अच्छी रहती है, क्योंकि वो लोफी के हिसाब से ब्लेंड हो जाती है। तो मैंने लेयरिंग कर रखी है, लेकिन वॉल्यूम कॉर्ड्स की ठीक ठाक ही रखनी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं रखनी होती। सिंथ की वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लोफी मैशअप है तो एकदम ऐसे एक अलग ही एनवायरनमेंट सा डेवलप होना चाहिए, तो उसकी थोड़ी सी ज़्यादा वॉल्यूम हम रखेंगे। हाई हैट्स की मिनिमल वॉल्यूम, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। उसके अलावा बीट्स को भी मैंने लेयर कर रखा है, क्योंकि मेरी बीट्स ऐसे कमज़ोर सी थी, तो उनको भी मैंने एक किट की बीट्स और दूसरे किट की बीट्स से लेयर कर रखा है, दोनों में सेम ही पैटर्न है। उसके बाद अगर हम वोकल्स पे आ जाएँ, तो वोकल्स पे मैंने सब पे एक ही इफेक्ट लगाया है, स्काई साउंड वाला, उसको मैंने थोड़ा सा एडिट किया है, किस वोकल पे कितने रिवर्ब की ज़रूरत थी उस हिसाब से। मतलब आप सुन के देखोगे तो आपको मिक्स और साइज़ को ही छेड़ना होता है, जो रिवर्ब वाला पोर्शन होता है हमारे इसमें। आप अगर ऐसे करके एडिट पे जाके सेटिंग्स में जाओगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाता है कि इस पे कौन सा रिवर्ब लगा है, और यहाँ से आप मिक्स और साइज़ को चेंज कर सकते हो। मिक्स से क्या होगा कि रिवर्ब की क्वांटिटी कम ज़्यादा होगी, और साइज़ से रिवर्ब कितना ज़्यादा गूंज रहा है, कितना दूर तक जा रहा है, ऐसे वो फील होगा। तो आप साइज़ कम ज़्यादा करके देख सकते हो, मिक्स कम ज़्यादा करके देख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। मैंने भी ऐसे ही हिट एंड ट्राई करके ही सेट किया। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपने सारे इफ़ेक्ट्स लगा लिए, सब कुछ लगा लिया,
अब इसके बाद जब हम वोकल्स पे आते हैं तो उनकी वॉल्यूम आपको थोड़ी कम रखनी है, थोड़ी कम, इतनी कम कि वो बस सुन के समझ आए कि कौन सा सॉन्ग है, क्या लिरिक्स है, बस इतनी कि लिरिक्स आपको सुनाई दे रहे हैं, आप गा सकते हो साथ में, और किसी को याद नहीं है तो उसको भी सुन के समझ आ रहे हैं कि क्या लिरिक्स चल रहे हैं। इससे ज़्यादा वॉल्यूम होनी ही नहीं चाहिए। मेरी भी आप वॉल्यूम देख सकते हो, मैंने कितनी कम कर दी है, क्योंकि वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगी तो वोकल्स एकदम अलग से सुनाई देंगे और कॉपीराइट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वॉल्यूम कम रखो, एकदम ही कम भी नहीं कर देना है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा सॉन्ग चल रहा है, वो क्या गा रहा है सिंगर, तो उस अकॉर्डिंग आपको वॉल्यूम सेट करनी है वोकल्स की। तो अब हम देख लेते हैं मेरे मैशअप का फाइनल रिजल्ट, और इसको देखकर आपने जो भी सीखा वो आप बना के मुझे शेयर कर सकते हो, बैंडलैब पे इनवाइट कर सकते हो अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो फील फ्री टू आस्क फॉर हेल्प, और कमेंट भी कर सकते हो क्योंकि मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई करने का कोशिश करती हूँ इसीलिए। अब हम देख लेते हैं फाइनल रिजल्ट। आप सबको वीडियो अच्छा लगा एंड हेल्पफुल लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।